आपको पास आउट करना है, ठीक है। इधर देखा, कुछ नहीं आ रहा, मैं इजीली कर सकता हूँ भाई पास आउट। देखो इसको, मेरे लाइन पे आ गया। अब इसमें क्लियर दिखाई देगा, देखो अब इसमें से गायब होगा, अब इसमें क्लियर दिखाई देगा। ये चीज़ होती है भाई जजमेंट की, हम ओवरटेक हम इजीली कर सकते हैं। देखो फिर कोई गाड़ी डिपर मार रही है, हमें दिखाई दे रहा है, हम इस साइड को आगे देखो, फिर ट्रक पीछे दिखाई दे, एग्जैक्ट पीछे कुछ आता है, मेरे को इस वाले मिरर में नहीं दिख रहा, वो इसमें क्लियर दिखेगा। देखो भाई इस वाले मिरर में मेरे को वो क्लियर दिखाई दे रहा है जो मेरे को। हेलो भाई, मैं हूँ अजय, और भाई आज ना आपको मेरी बाइक थोड़ी बदली बदली सी दिख रही होगी। इसकी भाई एक वजह है, आज मैंने अपनी बाइक में ऐड किए हैं मिरर्स। आपको भाई ये देखने की मेरी बाइक में आदत नहीं थी, पर आज मैंने अपनी बाइक में मिरर ऐड किए हैं, जिसके बाद भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें मिरर में कैसे पीछे देखना है, ये सब बताओ। मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट भाई, काफ़ी टाइम से चल रहा था मिरर्स को लेके। कई भाई सजेस्ट भी कर रहे थे कि भाई मिरर लगवा लो अपनी बाइक में, इजी रहता है वीडियो सिखाते वक्त भी और बाइक चलाते वक्त भी। तो मैंने आप सबकी बात मानकर मिरर अपनी बाइक में इंस्टॉल करवा लिए हैं। उसके साथ साथ आज हम एक मिरर वाली वीडियो भी लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमको अपना मिरर कैसे सेट करना है और कैसे अपने मिरर से पीछे वाली गाड़ियों को जज करना है। तो इन सब के बारे में भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी बाइक में दोनों मिरर्स इंस्टॉल कर लिए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक परफेक्ट मिरर का व्यू क्या आता है भाई, ठीक है। मैंने कैमरा हेलमेट पे इंस्टॉल कर लिया है, इसके बाद मैं आपको मिरर का व्यू दिखाता हूँ। देखो भाई ये हमारे मिरर का व्यू है। अब इस वाले मिरर पे देखोगे तो आपको ये कुत्ता दिखाई दे रहा है, इस वाले मिरर से भी देखोगे तो इसमें भी कुत्ता दिखाई दे रहा है। मतलब जो बीच रोड में हमारी चीज़ होती है ना, वो हमको दोनों मिरर्स में दिखाई देती है। उसके बाद भाई ये एजिस इसमें गायब, देखो इसमें इस कोने पे है, हमारे इस वाले हाथ में है तो इसमें दिखाई दे रही, पर इसमें नहीं दिखाई देंगे। इसमें हमको ये पेड़ दिखाई देगा, पर इसमें ये पेड़ आधा ही आएगा। अगर आपको भाई जो आपके पीछे वाली कोई चीज़ है ना, अगर आपको बराबर पे मिरर में नहीं दिख रही है ना, मतलब आपके मिरर ऊपर नीचे। और तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मिरर सेट कैसे करने हैं, ठीक है। तो मिरर सेट करने के लिए पहले भाई इस साइड का जानते हैं हम। इस साइड का भाई दोनों साइड का ना सेम ही होता है वैसे, पर दोनों साइड एक एक करके जानते हैं। देखो हमारा ना जो हाथ है उसका लास्ट वाला पोर्शन हमें विजिबल होना जरूरी है। देखो ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। इससे हमें जजमेंट लग जाता है कि हमारे कितने नज़दीक या कितने पीछे एक गाड़ी आने वाली है या फिर आ रही है। को अपने हाथ के यहाँ तक का देखना है, ये वाला एज आपके मिरर के हल्के से हिस्से में आना चाहिए इतने में। उसके बाद भाई जो इतना मिरर है इसमें आपको पीछे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जा रहा है, ये सब कुछ दिखाई देना चाहिए। सेम भाई इस हाथ पे भी, इस हाथ का भी भाई देखो ये एज जा रहा है। उसके बाद भाई पीछे जो जो चीज़ें हैं वो हमको साफ विजिबल हो रही हैं इस चीज़ में, तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना। और भाई सेंटर में आपसे 10-15 फीट की दूरी पे सेंटर में जो चीज़ होगी आपको दिखनी चाहिए। देखो सेम चीज़ भाई हमको दोनों मिरर्स में दिखाई देनी चाहिए। जैसे इसमें भी देखो भाई आपको अंकल दिखाई दे रहे होंगे और इसमें भी आपको अंकल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। मतलब जो मेरे मिरर्स हैं इनका बराबर में बैलेंस बना हुआ है, मतलब ये ख़राब नहीं है। अगर मैं इसको मेन रोड पे या फिर सही वाली रोड पे लेके जाऊं चलाने के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे पीछे जो गाड़ी होगी या फिर दूर से गाड़ी आ रही होगी, मेरे को इधर टर्न करना है या फिर इधर को टर्न करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं चाहे इधर टर्न करूँ तो मुझे इसमें दिख जाएगा कि भाई कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है। अगर इधर को भी टर्न करूँगा तो कौन सी गाड़ी मेरे राइट साइड से या फिर सेंटर मेरे एग्जैक्ट मेरे पीछे से आ रही है, ये सब कुछ हमें इसमें दिख जाएगा। तो भाई अब मैं आपको मेन रोड पे लेके आ चुका हूँ, जिसमें आपको भाई इसमें गाड़ियाँ दिख रही होंगी दोनों साइड पे, जिससे भाई आपको परफेक्टली जजमेंट करना आ जाएगा कि आपको कैसे अपने मिरर्स को सेट करना है या फिर लगाना है, ठीक है। अब भाई पहले हम इस हाथ में देखते हैं। देखो अभी फ़िलहाल कोई गाड़ी नहीं आ रही, बट इसमें मैं आपको अभी रोड के साइड में हूँ, आपको आगे इस वाले फ्रेम में दिख रहा होगा। तो भाई मिरर्स में देखो जब मैं खड़ा हूँ तो मुझे इस हाथ मेरा यहाँ तक हाथ दिखाई दे रहा है, उसके बाद भाई पीछे का मेरे को इतना व्यू दिखाई दे रहा है, मतलब आधा फुटपाथ दिखाई दे रहा है और आधी रोड दिखाई दे रही है। इसमें भाई सेम चीज़ है भाई, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे को वाइट लाइन दिखाई दे रही है ये वाली। देखो इसके अलावा भाई इस वाली वाइट लाइन के अलावा देखो भाई पूरी रोड मेरे को इस वाले मिरर में विजिबल है। इसके बाद भाई अगर बाई चांस मेरे इधर एग्जैक्ट पीछे कुछ आता है, मेरे को इस वाले मिरर में नहीं दिख रहा, वो इसमें क्लियर दिखेगा। देखो भाई इस वाले मिरर में मेरे को वो क्लियर दिखाई दे रहा है जो मेरे को इसमें ब्लाइंड स्पॉट है, आपको क्लियर दिख रहा होगा भाई। तो भाई ब्लाइंड स्पॉट आपको पता लग गया होगा कैसे होता है, मतलब जो मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है उसके बाद मेरे पीछे इस वाले मिरर में नहीं दिखाई दे रहा, वो मुझे इस वाले मिरर में भाई क्लियर हो जाता है, ठीक है भाई। आपको ये चीज़ क्लियर होगी ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है।
जो मेरे को इस मिरर में मेरे हाथ की वजह से मेरे को विजिबल नहीं हो पा रहा है ना भाई, वो इस वाले मिरर में क्लियर होता है। देखो भाई ट्रक आ रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है नहीं, बट इसमें आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा ट्रक आ रहा है। अब इसमें धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हुआ, ट्रक के साइड में क्या कुछ नहीं दिखाई दे, इधर से देखो इतनी बाइक गाड़ियाँ आ रही हैं। ये होता है भाई परफेक्ट मिरर जजमेंट का, मतलब अगर आपके मिरर परफेक्ट है ना तो आपका ब्लाइंड स्पॉट बनेगा ही नहीं। अगर आपको इस वाले मिरर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो आपको इसमें जरूर दिखाई देगा भाई। तो भाई अब मैं एक बार बाइक को रनिंग करते हुए दिखाता हूँ आपको कि कैसे हमको बाइक चलाते हुए इन दोनों चीज़ों को जज करना है, ठीक है। फोकस भाई अपना मिरर के ऊपर ही रखना, जहाँ को मैं टर्न करूँगा मिरर में देखना मैं आपको क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। भाई जैसे मैंने बाइक को स्टार्ट कर लिया, पहला गियर डालते हैं, इधर देखते हैं भाई कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा, गाड़ी आ रही है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा हल्का सा सेट कर लेते हैं भाई यहाँ से, ताकि मतलब और ज़्यादा आपको क्लियर दिखाई दे। ये तो आपको भाई क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा देखो अभी ट्रक आ रहा है तो मैं आगे बाइक को नहीं बढ़ाने वाला, ट्रक पास हुआ अब जगह खाली है, अब मैं धीरे धीरे करके बाइक को इजीली आगे को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसमें आपको देखो विजिबल हो रहा है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, इसमें भाई आपको इस वाले साथ का विजिबल हो रहा था, जो मेरे को इस मिरर में नहीं दिखाई दे रहा है, देखो मेरे पीठ के पीछे वाला वो इस वाले मिरर में हमको क्लियर दिखाई देता है। देखो इस वाले यहाँ से मेरे को फुटपाथ नहीं दिखाई दे रही भाई, मेरी वाइट लाइन नहीं दिखाई दे रही, बट यहाँ से देखो मेरे को क्लियर आ रही है, ये बाइक इसमें दिखाई दे रही है बट इसमें नहीं दिखाई दे रही थी अभी तक, जो अभी तक दिखाई दे रही है। अब मेरे को ट्रक को पास आउट करना है, ठीक है। इधर देखा कुछ नहीं आ रहा, मैं इजीली कर सकता हूँ भाई पास आउट, देखो इसको ओवरटेक हम इजीली कर सकते हैं। देखो फिर कोई गाड़ी डिपर मार रही हमें दिखाई दे रहा है, हम इस साइड को आगे देखो फिर ट्रक पीछे दिखाई दे रहा है, बट इसमें नहीं दिखाई देगा पर इसमें ट्रक हमको दिखाई दे रहा है। ये ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने वाली चीज़ें होती है, और ये चीज़ भाई तभी आपकी परफेक्ट हो पाएगी जब आप रोड पे बाइक को चलाना शुरू करोगे। ऐसे वीडियो देख के आप सिर्फ जजमेंट ले सकते हो कि हाँ आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, बट इन अ प्रैक्टिकल वे जब आप रोड पे बाइक चलाने के लिए आओगे ना, देखो आपको दिखाई देगा मेरे को टर्न करना है तो मैं इंडिकेटर दे दिया मैंने, कुछ नहीं आ रहा, देखो टर्न करने के लिए इधर देखो ये सारी गाड़ियाँ इस वाले हाथ से दिखाई दे रही हैं, इधर कुछ नहीं है, मैंने टर्न कर लिया, ठीक है भाई। क्या देखो अब आगे ऑटो है भाई, इसको मैंने को ओवरटेक करना है, मैं कैसे करूँगा। इधर देखा पहले कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, इधर को हमने भाई वैसे टर्न भी नहीं करना पर फिर भी कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही, इधर साइड को भी कोई गाड़ी नहीं है, तो हम ऑटो को इधर से ओवरटेक इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ब्लाइंड स्पॉट का मैं बोल रहा था ना, आपको साथ में ऑटो वगैरह दिखाई दे रहे हैं, देखो नहीं दिखाई दे रहे ना, बट इस मिरर में देखोगे तो आपको देखो पीछे से कुछ ना कुछ आता हुआ दिखाई देगा ही देगा। जैसे अभी साइकिल वाले अंकल हैं वो इसमें नहीं दिखाई दे रहे बट वो इसमें दिखाई देंगे, देखो ये फ़र्क आता है भाई चीज़ों का। इसमें वाइट गाड़ी दिखाई दे रही है, आ रही है ना, वाइट गाड़ी के साथ में क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बट इसमें देखो सब दिखाई देगा कि वाइट गाड़ी के साथ में क्या आ रहा है। मतलब इस वाले मिरर से आप इधर साइड का पूरा देख सकते हो भाई, और जो आपको इस वाले मिरर में आता ही दिखाई देगा इधर वाला साइड जो बच जाएगा ना, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि इधर वाला साइड में आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपको ये वाला मिरर दिखाएगा। देखो इसमें ऑटो दिखाई दे रहा है बट इसमें नहीं दिखाई देगा, अब इसमें भी दिखाई दे रहा है, अब इसमें फिर से गायब हो गया क्योंकि वो मेरे लाइन पे आ गया, अब इसमें क्लियर दिखाई देगा, देखो अब इसमें से गायब होगा अब वो इसमें क्लियर दिखाई देगा। ये चीज़ होती है भाई जजमेंट की, कि मतलब अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं दिखाई दे रही तो आपको डरने की बात नहीं है कि मेरे को इस वाले मिरर में क्लियर नहीं आ रहा है, अब मैं कैसे देखूंगा, आपको इस वाले मिरर में क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। अब मेरे को इधर को टर्न करना है, देखो भाई इंडिकेटर दिया, पीछे देखा कुछ नहीं आ रहा, ये डाउन किए, एक दो जितने हमें रिक्वायर्ड है उसके बाद हमने हल्की हल्की आगे को बढ़ा ली भाई इसी तरह। अब देखो भाई इधर तो कुछ नहीं आ रहा, हम रिक्शा को ओवरटेक इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखो हमने रिक्शे को ओवरटेक किया, सामने देखो मिरर में अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, कुछ विजिबल नहीं है। अब इधर साइड को देखो भाई, आपको एक बाइक दिखाई दे रही है बट बाइक के बगल में क्या है वो नहीं दिखाई दे रहा, बट इधर से देखो पूरी बस के साथ साथ बाइक वगैरह सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो इधर से एक्टिवा पास आउट हो रही है पर इधर नहीं दिखाई दे रही, बट जो चीज़ इधर दिखाई दे रही है ना, और इसके बाद हमें इस पेड़ के बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसमें देखो पेड़ वाला सारा हिस्सा दिखाई दे रहा, वो यही चीज़ है भाई कि आपको ऐसे मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं होना कि भाई आपको एक साइड का दिखाई दे रहा है, इसके बाद इतना ही दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपका हाथ आ जा रहा है तो आपको आपके पीछे क्या ये नहीं दिखाई दे रहा है,
ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई मेरे को, अब मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, मेरे को ऑटो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑटो के इधर क्या है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं चल रहा हूँ नॉर्मल, बट यहाँ से देखो ऑटो के साथ में इधर क्या है सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, ऑटो भी इवन दिखाई दे रहा है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके पीछे का ब्लाइंड स्पॉट होगा ना वो मिरर्स में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑटो ऑटो दिखाई दे रहा है आपको खाली, ऑटो के इधर क्या है कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मान लो इधर पूरी रोड ही होती तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कौन सी गाड़ी आ रही थी, बट आप इस वाले मिरर में दिखते तो आपको ऑटो के बाद क्या क्या है, क्या क्या गाड़ी आ रही है, ये सब कुछ क्लियर हो जाता, ठीक है भाई। तो आपको समझ आ गया कि मिरर्स में ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है, आपके पीछे क्या गाड़ी आ रही है ये भी आप इसमें देख सकते हो। मिरर सेट कैसे करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। आपका हाथ का ये लास्ट वाला एज इसमें हल्का सा दिखना चाहिए, उसके बाद भाई पूरा इधर का दिख जाए, इसमें भी सेम भाई हाथ का ये वाला एज दिखना चाहिए, उसके बाद पूरा इधर का दिख जाए और आपको भाई कैमरे में इजिली विजिबल हो रहा होगा जो मैं रोड पर देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा सब कुछ कि जजमेंट कैसे करनी है, मिरर को सेट कैसे करना है, और भाई कोई भी दिक्कत हो मिरर्स को लेकर के कि मिरर्स में कैसे क्या चीज़ देखनी है, इसमें भाई मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और भाई कोई भी डाउट हो ना वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सेफ राइड।